voice. والسماء والسماء
قال وخلق الجن من مارج من وخلق الجن من فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما فرزق لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولو وبلغنا رسوله النبي الكريم. ما شاء الله استاذ القراء والحفاظ فخر المجودین حضرت علامہ قاضی غضنفر علی نعیمی صاحب اسلام آباد سے آپ تشریف لائے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کر رہے تھے. بلا تاخیر میں ملتمس ہوں بارگاہ مصطفیٰ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے نصر چودھری صاحب آپ تشریف لائے اور بارگاہ مصطفیٰ میں عقیدت کے گلاب نچھاور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو یہ محفل منعقد ہو رہی ہے اس میں ہمیں حاضری کا موقع مل رہا ہے. اے خدا، عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں؟ اے خدا، عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں؟ جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں؟ اور ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے اچھی میرے آقا کوئی پہچان کہاں سے لاؤں؟ اے خدا، عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں؟ جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں؟ اور ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے اچھی میرے آقا کوئی پہچان کہاں سے لاؤں؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ایسی محافل بڑی بابرکت ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہوتی ہے، ان کے اخلاق کی بات ہوتی ہے، ان کی زندگی پہ بات ہوتی ہے، ان کے پیغام پہ بات ہوتی ہے.
अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि ऐसी महाफिल के नतीजे में हमारे अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा मज़ीद रोशन हो और ऐसी महफ़लें और ऐसी मजलसें तरक्की करें। हमारा ईमान है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन आप जैसे अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन हैं, तो गैर मुस्लिम शायरों ने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी है, नात लिखी है। चंद अशआर, एक हिंदू शायर हैं, वो कहते हैं कि जिक्र रसूल पाक है जब से जुबान पर, जिक्र रसूल पाक है जब से जुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जेड़े दोस्त बाहर खड़े ने ते गल्लां कर रहे ने, प्लीज तुहाडे के रिक्वेस्ट, या मस्जिद के अंदर आ जाओ तो या वापस अपने घर चले। और वो खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है, वो खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है, जो कौम उनकी हिदायत को भूल जाती है। और मदीने में बुलाकर कैद कर लो तो मजा आए। हिंदू शायर कहता है कि मदीने में बुलाकर कैद कर लो तो मजा आए, मुझे अपनी जुबान से तुम सजा दो तो मजा आए। और कहता है कि इसी खूबी से खुश होकर मुझे तुम बख्शवा देना, इसी खूबी से खुश होकर मुझे तुम बख्शवा देना कि हिंदू होके इस्लामी तराने गा रहा हूं मैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्ने मिलाद मुस्तफा। एक सिख शायर है महेंद्र सिंह बेदी, वो कहते हैं कि हम किसी दीन से हूं कायले किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हूं कायले किरदार तो हैं, यानी मजबूर पाए अहमद मुख्तार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, और इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का इजहार, मोहब्बत का इजहार तो ईसाइयों ने भी किया है, सिखों ने भी किया है, और हिंदुओं ने भी किया है। तो हम तो उनके उम्मती हैं, हमारा तो माँ बाप उन पे कुर्बान, हमारी सब कुछ उन पे कुर्बान। नात के चंद अशआर पेश करूंगा। एजाज रहमानी साहब हैं, उनका बहुत खूबसूरत कलाम है। मिद्दत उसकी क्यों ना करें वो, मिद्दत का हकदार भी है, मिद्दत उसकी क्यों ना करें वो, मिद्दत का हकदार भी है, बाद खुदा जो अपनी हदों में मालिक भी मुख्तार भी है, बाद खुदा जो अपनी हदों में मालिक भी मुख्तार भी है, मिद्दत उसकी क्यों ना करें वो, मिद्दत का हकदार भी है। और आज भी उनकी सीरत लोगों राहनुमा है दुनिया की, आज भी उनकी सीरत लोगों राहनुमा है दुनिया की, एक एक जिनका चाहने वाला फूल भी है तलवार भी है, एक एक जिनका चाहने वाला फूल भी है तलवार भी है।
और पास तो है कुरान हमारे नाफिज ये दस्तूर नहीं, पास तो है कुरान हमारे नाफिज ये दस्तूर नहीं, रहमत से हैं लोग गुरेज़ां और रहमत दरकार भी है, मिदहत उसकी क्यों न करें वो मिदहत का हकदार भी है, बाद खुदा जो अपनी हदों में मालिक भी मुख्तार भी है, और नाते पढ़ना नाते सुनना नाते लिखना खूब मगर, नाते पढ़ना नाते सुनना नाते लिखना खूब मगर, सब ये जुबानी दावे है यार दिल से हमें इकरार भी है, सब ये जुबानी दावे हैं या दिल से हमें इकरार भी है, मिदहत उसकी क्यों न करें वो मिदहत का हकदार भी है, बाद खुदा जो अपनी हदों में मालिक भी मुख्तार भी है, और आज तुम्हारी मिदहत का है रंग बड़ा एजाज अजब, आज तुम्हारी मिदहत का है रंग बड़ा एजाज अजब, जामो सुबह की बातें भी है जिक्र शहे अबरार भी है, और तबलीगे इस्लाम की मंजिल आसान भी दुश्वार भी है, तबलीगे इस्लाम की मंजिल आसान भी दुश्वार भी है, रहमत का गहवारा भी है ताइफ का बाजार भी है, रहमत का गहवारा भी है ताइफ का बाजार भी है, मिदहत उसकी क्यों न करें वो मिदहत का हकदार भी है, बाद खुदा जो अपनी हदों में मालिक भी मुख्तार भी है। चंद शेर पंजाबी के पेश करता हूँ। एक पंजाबी शायर ने कहा है कि है मेरियां हमदा नाता तो है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उतां मुकाम मुहम्मद दा, है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उतां मुकाम मुहम्मद दा, पिया अपने शेर सजाना वा विच लिख लिख नाम मुहम्मद दा, और चमन में चूंकि हजूर सल्लम की आमद के हवाले से महफिल का इनेकाद है तो एक बहुत खूबसूरत शेर है कि चमन में आमद खैरुल वरा की जब खबर पाई, चमन में आमद खैरुल वरा की जब खबर पाई पे ताजीम खुशबू फूल से बाहर निकल आई, जिक्र नबी दा जिक्र नबी दा कर दिया रहना
चंगा लगदा है सिकर नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है ते इस बहाने रल मिल पैना चंगा लगदा है जिक्र नबी दा ते जालियां दे कोल खलोना उच्ची साना लेना रो लेना जालियां दे कोल खलोना ते उच्ची साना लेना रो लेना ते बोलन नालों चुप कर रहना चंगा लगदा है जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है याली ते रोज़े अक्दस दे वल जाना ते नुकरे हो के बैरेना रोज़ाए अक्दस दे वल जाना ते नुकरे हो के बै जाना ते सब्ज गुंबद नूं तक दिया रहना चंगा लगदा है जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है और शेख जुनैद बगदादी जैसा कि हम जानते हैं बहुत अल्लाह वाले थे और उन्होंने आले रसूल की जो इज्जत की उनका जो एहतराम किया उसकी वजह से उनको बड़ा रुतबा मिला। शायर कहता है कि आले नबी दी इज्जत खातर विच अखाड़े आले नबी दी इज्जत खातर विच अखाड़े दे शेख जुनैद दा जान के ठहरना चंगा लगदा है शेख जुनैद दा झूठियां टहना चंगा लगदा है ते जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है। अगर अल्लाह ताला दी जात किसी दे उपर करम फरमावे ते उसनू गरूर और तकबर दा शिकार नहीं होना चाहिए बल्कि उस दे अंदर